प्रिडिक्टेबल होना या लिमिटेड होना ये किसी भी इंसान के लिए बहुत ही नेगेटिव ट्रेड्स हो सकते हैं लेकिन अगर एग्जाम की बात करें तो ये आपको नेट या जे आर एफ दिला सकते हैं वेलकम टू यू जी सी नेट अरा फॉर सेवन माई नेम इज़ प्रोफेसर ऐशवार्यापुरी आई एम योर मेंटर फॉर इंग्लिश पेपर टू अब अगर बात करें ये लास्ट के ट्वेंटी डेज की थर्टी डेज की स्ट्रैटेजी की तो बहुत जरूरी है बहुत ही स्मार्टली एक्ट करना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आखिरी बीस दिनों में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आप अपने एग्जाम के स्कोर को सीधा टू ट्वेंटी प्लस ले जाएं क्योंकि ये ऐसा स्कोर है जो डेफिनेटली आपको नेट दिला देगा और कुछ सब्जेक्ट में इनफैक्ट जे भी दिला देगा तो देखिए लास्ट के डेज में मैं अगर मैं बात करूं अब से तीन चार महीने पहले की जो मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं उसमें मैंने अक्सर यही स्टूडेंट्स को कहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ये देख लो कि तुम्हारा पेपर वन स्ट्रांग है या पेपर टू स्ट्रांग है एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं लेकिन एग्जाम से बिल्कुल बीस दिन पहले तीस दिन पहले ना आप ये काम नहीं कर सकते हैं कि आप देख लो किस में बेटर है किसमें वर्स है ये नहीं चलेगा अभी के लिए ज़रूरी है उस पार्ट पे फोकस करना जो आपको ज्यादा मार्क्स दिलाएगा करेक्ट है हाँ ना तो अभी हम देखेंगे अगर पेपर वन और पेपर टू की बात करें तो पेपर वन एक ऐसा पोर्शन है जो मार्क्स के लिहाज से ज्यादा स्कोरिंग है और आपके स्कोर को काफी ऊपर रॉकेट करेगा पेपर टू आपका चाहे किसी भी सब्जेक्ट से है ये एक ऐसा पोर्शन है जो लास्ट के डेज में आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा रीजन मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही टेक्निकल सा रीजन है पेपर वन का जो सिलेबस है वो भी अपने आप में काफी लिमिटेड है और क्वेश्चन की जो नेचर है वो भी काफी ज्यादा प्रडिक्टेबल है प्लस इसके अंदर कुछ यूनिट्स हैं जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया मैथ हो गया लॉजिक हो गया है ना ये कुछ आपका ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आपको तैयारी की अलग से पर से ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे आप प्रैक्टिस करके जाएंगे पहले एंड फिर आप ऑन स्पॉट इस परफॉर्म करेंगे पेपर टू पूरा का पूरा प्रेपरेशन बेस रहता है लेकिन ये जो पोर्शन है पर्टिकुलरली ये यूनिट्स हैं पेपर वन के ये आपको एक एज देते हैं ये ऐसे पोर्शन है जहां पर आप फोर फोर यूनिट्स इंटू फाइव क्वेश्चन पर यूनिट इज ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन इन टू मार्क्स इज फोर्टी मार्क्स तो आउट ऑफ हंड्रेड फोर्टी मार्क्स पक्के पक्के आप यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो पेपर टू में माइंड यू मी किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में इन पेपर टू इंक्लूडिंग माई ओन सब्जेक्ट इंग्लिश ऐसा कोई यूनिट नहीं है जिसको आप पढ़ के आप बोलो कि भाई पक्के पक्के फोर्टी मार्क्स यहाँ से बन रहे हैं पेपर वन में लेकिन आपको वो एडवांटेज मिलता है एंड फोर्टी मार्क्स इज एज चंक एक ऐसा पेपर जिसमें पॉइंट पॉइंट्स के लिए जो है लड़ाई चल रही है वहां पे फोर्टी मार्क्स अपनी किटी में ले लेना आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद रहेगा तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी लास्ट के डेज में डज नॉट मैटर क्या स्ट्रांग है क्या वीक है अपनी जो गेम है आपने वो पेपर वन पे खेलनी है ठीक है ऑलरेडी अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो अब कुछ नया मत पढ़िए जो चल रहा है उसी को चलते रहने दीजिए और अगर आप चाहे डिसंबर अटैम्प्ट को ट्रायल अटैम्प्ट की तरह ले रहे हैं मेन अटैम्प्ट की तरह ले रहे हैं ड नॉट मैटर एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट आपके दिमाग में रहना चाहिए जून अटैम्प्ट आपके सामने खड़ा है ट्वेंटी का एन ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हमें बता दिया है उन्होंने डेट्स ब्लॉक की हुई हैं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पेपर टू आपका जो है वो कम मार्क्स आपको दिलाएगा लिमिटेड रिसोर्स वाला सब पोर्शन है डेफिनेटली वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल रहेगी तो इस पर टाइम नहीं वेस्ट करना इसको आपने स्ट्रेस भी नहीं लेना है अब अगर हम दो से 220 मार्क्स एम कर रहे हैं आउट ऑफ 300 तो इनमें से कोई एक केस आपका बन सकता है इस केस से नीचे नहीं गिरोगे पेपर वन की तैयारी ऐसी कर लो आखिरी के बीस दिनों में कि एट्टी टू नाइनटी प्लस आप मार्क्स इसमें सिक्योर कर ही रहे हो पहले इसके मार्क्स अपने दिमाग में एडजस्ट कर लो बेस्ड ऑन दैट पेपर टू के मार्क्स को एडजस्ट करना पेपर वन में बहुत हाई स्कोर जा रहा है पेपर टू में थोड़ा कम भी स्कोर करके चलेगा पेपर वन में थोड़ा कम स्कोर जा रहा है तो पेपर टू में वहां कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा पेपर टू को ना लास्ट के डेज में कॉम्पनसेटरी बना दो तो। मतलब अगर मैं ट्वेंटी डेज स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूं एक ही तरीका है इसमें नेट क्वालिफाई करने का या जी आर करने का और वो है पेपर वन पे कंप्लीटली रिलाय करने का समझ गए हैं तो आपने एम रखना है 210 से 220 मार्क्स का तैयारी आपने जो है इसी तरीके से करनी है और साथ ही साथ में आपको बता ठीक है और अगेन फिर से बता दूं एक प्लान भी दिमाग में हमेशा रखना जून अटेम्प्ट आपके पास है क्योंकि मोस्टली जो आपका स्ट्रेस या एंग्जाइटी आती है वो आती है परफॉर्मेंस या फ्यूचर या रिजल्ट का सोच के अगर वो रिजल्ट का प्रेशर ही दिमाग से निकाल दोगे तो वो सारे स्ट्रेस आपके दिमाग से चले जाएंगे तो ये सोच लो ना कि डिसंबर अटैम्प्ट के बाद जून अटैम्प्ट भी तो आ ही रहा है हार्डली फाइव सिक्स मंथ्स का गैप होगा आप बेहतर तैयारी करके उसमें जा सकते हैं अगर ये प्रेशर जो है परफॉर्मेंस का दिमाग से निकाल दोगे फिर जून तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप बहुत आराम से डिसंबर अटैम्प्ट को भी क्वालिफाई कर लेंगे तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी आपके लिए आई होप ये आपको जो है अच्छी लगी होगी एंड इसी के साथ अगर आप दिसंबर अटैम्प्ट के साथ जून अटैम्प्ट की भी तैयारी करना चाहते हैं तो ये फेस्टिवल सीजन अरा ट्वेंटी फोर सेवन लेकर आया है आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका हमारी सभी वेबसाइट एप्लीकेशन पे जितने भी इंग्लिश के या किसी भी सब्जेक्ट के मेगा पैक्स हैं उन उनपे मिल रहा है सिक्स मंथ्स पे सिक्स मंथ्स का वैलिडिटी फ्री प्लस अब तक का हाईएस सेवेंटी नाइन परसेंट डिस्काउंट तो आप एक साल के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं एक साल के भीतर जो भी एग्जाम आएगा नेट का चाहे दो अटेम्प तीन अटेम्प्ट आप उन सबकी तैयारी एक साथ कर सकते हैं इस मेगा पैक किट में आपको पेपर वन पेपर टू दोनों की तैयारी कराएंगे टेस्ट सीरीज भी फ्री में देंगे बुक्स भी फ्री में प्रोवाइड करेंगे उसकी फ्री होम डिलीवरी भी होगी तो अगर आप दिसंबर के साथ साथ जून को साथ लेकर चल रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है बिकॉज एक बैच के एक कोर्स की पेमेंट में आप टू या थ्री कोर्सेस की तैयारी कर सकते हैं ठीक है तो जब मेन पेज पे जाओगे ना एग्जाम्स में यूजीसी सेलेक्ट कर लेना और यूजीसी ने डिसम्बर सेक्शन में आकर आप कोर्सेज में देखेंगे मेरा इंग्लिश का जैसे मेगा पैक आपको यहाँ दिखेगा ये यह वो मेगा पैक है जिसमें आपको बुक्स और टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी वैलिडिटी डबल मिलेगी अच्छा ध्यान रखना इस पर कोड लगा लेना डिस्काउंट के लिए क्योंकि डबल वैलिडिटी और 79 परसेंट ऑफ के लिए आपको ये कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा कोड का इस्तेमाल करके आप अपने डिस्काउंट को अवेल करें और ये थर्टी थाउजेंड का कोर्स सिर्फ 6500 में आपको मिल जाएगा है ना अफोर्डेबल चलिए आई होप यह फेस्टिविटीज का सीजन आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आए और ये पॉजिटिविटी अगर आप अपने अंदर ले आएंगे उसके बाद कोई भी आपको नेट या जे आर एफ क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता ऑल द वेरी बेस्ट माई डियरस्ट लर्नर्स टेक केयर बाय बाय चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो